नमस्कार। आज का सवाल है कि इकोसिस्टम की जरूरत क्यों है। इकोसिस्टम की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप बार बार देखते हैं कि जब उन पर कोई कार्रवाई होने की बात भर होती है तो रातों रात कोई लंबे कानूनी ड्राफ्ट लिख देता है, कोई दूसरा उस ड्राफ्ट को लेकर अदालत में मुकदमा लड़ने पहुंच जाता है, कोई तीसरा अदालती आदेश लेकर प्रशासनिक कार्रवाई रोकने पहुंच जाता है, कोई चौथा प्रेस रिलीज लिखता है, पांचवां उसे नमक मिर्च लगाकर अखबारों टीवी पर पेश करना शुरू करता है, छठा वहां धरने पे बैठ जाता है, सातवां वहां पीड़ितों से मिलने पहुंच जाता है, आठवां जाकर न्यूज पैनल में विक्टिम कार्ड खेलने बैठ जाता है, नौवां सोशल मीडिया पर समर्थन देना शुरू करता है और इस तरह अंत में दसवां जिसने सचमुच कुछ गलत किया था वो शान से पुष्पा स्टाइल मारता हुआ निकल जाता है। आप देखते रह जाते हैं, इसलिए आपको इकोसिस्टम की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि इकोसिस्टम बनाने के लिए तो कई लोग चाहिए। आपके पास ऐसे संगठन तो है नहीं जो इकोसिस्टम बना दें। जो तथाकथित संगठन हैं भी उनकी विचारधारा तो राष्ट्रवादी है ना, हिंदुत्ववादी तो है ही नहीं। तो ऐसे मौकों पर आगे आते क्यों दिखेंगे? बाढ़, रेल दुर्घटना आदि आपदाओं में वो आपके लिए आ भी जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसे मामलों में तो आपको पता है कि आपको स्वयं अकेले ही निपटना है। अकेले इकोसिस्टम तो बनता नहीं, ऐसा आपने सुन लिया और मान भी लिया है ना। ये आपको एक झूठ सिखाया गया है। जी हाँ, आप अकेले भी इकोसिस्टम बनाना शुरू कर सकते हैं। चाहें तो शिवाजी छत्रसाल जैसे किसी को भी देख लीजिए। मुगल साम्राज्य की तुलना में शिवाजी की शुरुआत बिंदी जैसी थी। कोई फौज, धन दौलत कुछ भी नहीं, इकोसिस्टम अकेले ही शुरू होता है। तो चलिए इकोसिस्टम बनाने के लिए क्या करना होगा ये सीखते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया नाम के बड़े हथियार आपको अचानक मिल गए हैं। इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको सिर्फ इन्हें चलाना सीखना हो। हाँ, आप अगर बतौलेबाज हैं, ये क्यों नहीं कुछ करता, वो कुछ क्यों नहीं करता जी, ऐसा कुछ रोना रोने वाले जीव हैं तो रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। यहाँ से आगे की बातें बेकार की समय की बर्बादी होगी, कुछ और कर लीजिए इतने समय में। अगर रुकने वाले हैं तो देखिए और सीखिए, गूगल एक मैप का फीचर देता है। इस मैप में आप जब भी कोई लोकेशन ढूंढते हैं तो बाईं तरफ नीचे स्क्रॉल कीजिए, वहां आपको रिव्यू दिखेगा। आपको बस इतना करना है कि जिन भी जगहों पर आप जाएं उनकी तस्वीरें वीडियो ले लें। जी हाँ, आपने जो महंगा वाला मोबाइल फोन ले रखा है ना, उससे तस्वीरें भी ली जा सकती हैं। कोई पुलित्जर प्राइज नहीं जीतना आपको, इसलिए कोई बड़ी अच्छी तस्वीर नहीं चाहिए। तो फोटो खींचना नहीं आता, ये ढोंग मत कीजिए। फोटो लेकर बस गूगल पर रिव्यू में डाल देना है और साथ में दो चार शब्द लिख देने हैं। दो शब्द, नाइस प्लेस, ब्यूटीफुल टेम्पल, इतना लिख देना तो मुश्किल नहीं है ना, कर सकते हैं आप। इससे होगा क्या, इससे रिकॉर्ड बनता जाता है। अगर आज की तारीख में किसी ने गूगल पर रिव्यू डाल रखा है जिसमें लिखा है 200 साल पुराना मंदिर, तो 10 साल बाद कोई अदालत में ये नहीं कह सकता कि ये मंदिर कल ही किसी ने बनवा दिया जी, अतिक्रमण है जी, रोज सरकारी लोग निगरानी नहीं कर पाते जी। उसे बताना होगा कि जब 10 साल पहले ये रिव्यू लिखा गया तब से लेकर आज तक अधिकारी क्या कर रहे थे। ऐसे रिकॉर्ड जितने लंबे होंगे, जितने अधिक लोगों के होंगे, उतना फायदा होगा। तस्वीरें ऑनलाइन मौजूद होंगी तो कल को कोई भी उन्हें दिखाकर ये बता सकेगा कि इतने समय से मंदिर था, कल हुआ अतिक्रमण नहीं है ये। फिर कोई तोड़ भी दे तो सबूत रहेगा कि आपके साथ अन्याय हुआ है। आज जिस मंदिर का वीडियो नजर आ रहा है उसका पुराना रिकॉर्ड कोई आम हिंदू ढूंढने निकले तो बता पाएगा कि ऐसे हिंदुओं को दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह रखा जाता था। जैसे आज हम तंबू दिखाकर कह पाते हैं कि ऐसे रामलला को अयोध्या में रहना पड़ता था। पुराने जमाने में सीता रसोई कैसे थी, कहाँ स्थापित था विग्रह, उस जमाने में कैमरा नहीं था, कुछ बड़े मंदिर कैमरा ले जाने नहीं देते, लेकिन अधिकांश मंदिर तो छोटे हैं ना, वहां जाइए तो तस्वीरें लीजिए और गूगल मैप पर डालकर उसका रिकॉर्ड बनाते रहिए। आप रिकॉर्ड न बना लें इसके लिए सरकार क्या कोशिश करती है, इसके लिए आप देखेंगे कि सरकारी नियंत्रण में जो भी मंदिर हैं उनके बाहर ही लिखा रहता है यहाँ फोटो खींचना मना है। अब इस काम के लिए आपको कोई 10, 20, 50 लोगों की जरूरत नहीं है। मंदिर के होने का सबूत आपने अकेले ही पैदा कर दिया। युवाओं को इससे दूसरा फायदा भी होता है। जैसे जैसे आप अधिक जगहों के रिव्यू डालते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, वैसे वैसे गूगल आपको पॉइंट देता जाता है। इसका क्या फायदा, सोचिए कि किसी शहर में आप कोई रेस्तरां, कोई दुकान वगैरह आज कैसे ढूंढते हैं। सबसे पहले हम उसे गूगल पे खोजते हैं। अगर 10 लोगों ने किसी रेस्तरां को अच्छे नंबर दिए हैं तो और ग्राहकों के वहां आने की संभावना भी बढ़ती है।
आपकी रेटिंग आपके पॉइंट बढ़ने के साथ 1 से 10 की तरफ बढ़ती है। जैसे मेरी रेटिंग यहाँ 7 की और 5000 से थोड़े ज्यादा पॉइंट दिख रहे हैं। इसका फायदा ये होगा कि 7 से ऊपर की रेटिंग वालों से रेस्तरा मालिक भी अपने बारे में अच्छी बातें लिखवाना चाहेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़े फिल्म क्रिटिक या किताबों के समीक्षक से लोग अपनी फिल्मों अपनी किताबों के बारे में अच्छी बातें लिखवाना चाहते हैं। आप अपने ही काम से अपनी डाली तस्वीरों से अपनी रेटिंग 8 से ऊपर कर लेते हैं तो रेस्तरां वाले भी आपसे अच्छी रेटिंग चाहेंगे। कई बड़ी दुकानें ऐसी होती हैं जिनके लोग अपने लिए अच्छी रेटिंग चाहेंगे। कई बार जो टॉप के रिव्यूअर होते हैं उनको फ्री कूपन मिल जाते हैं, यानी धर्म की मदद भी की, अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह स्थापित भी कर लिया और हो सकता है कई जगहों के फ्री कूपन भी मिलने लगे। गूगल का ये आसान वाला तरीका अगर समझ में आ गया हो तो खुद थोड़ी मेहनत कीजिए और इसे सीख लीजिए। हम लोग अब आगे गूगल के ही दिए दूसरे तरीकों पर चलते हैं। टूलकिट याद है? वही टूलकिट जिसे ग्रेटा ने गलती से किसान आंदोलन के समय शेयर कर डाला था और सबको पता चल गया था कि ये कैसे प्रायोजित किया जा रहा है। अगर याद होगा तो ये भी याद होगा कि ये एक गूगल डॉक्यूमेंट था। गूगल ऐसे ही डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट वगैरह शेयर करने की छूट देता है। आप अपनी पसंद के किसी भी एक मुद्दे को चुनिए और उस पर एक्सेल जैसा एक गूगल शीट बना लीजिए। ये अगर मुश्किल लग रहा हो, थक गए हो, तो कोई बात नहीं है, आप रहने दीजिए, भगवा ध्वज कोई और उठा लेगा। ये जो आपके सामने है वो मेरा गौमूत्र के मुद्दे पर बनाया हुआ एक शीट है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें हम कर क्या रहे हैं, हमने तारीख लिखी कि कब आतंकी ने पुलवामा हमले से पहले गौमूत्र कहकर हिंदुओं पर आक्षेप किया, ऐसे लिंक ले आए जहां से वीडियो मिल जाएगा। फिर इंटरनेट पर ऐसी टिप्पणियां ढूंढी, कौन लोग ऐसा कर रहे थे उनकी ट्वीट का लिंक उठा लिया। अब तारीख के साथ मेरे पास 10 ऐसे प्रमाण हैं जिनके जरिए मैं कभी भी ये साबित कर सकता हूँ कि गौमूत्र पीने वाला कहकर हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता है। हिंदूफोबिया एक सच्चाई है, ये सिद्ध करने लायक प्रमाण इकट्ठा करने के लिए अब मुझे कहीं दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। ये गूगल पर मेरे जीमेल में है तो हम कभी भी कहीं भी इंटरनेट से इसे दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप भी इसी मुद्दे पर काम करें, हो सकता है आपकी गौरक्षा के मामले में रुचि हो। अखबारों से गौरक्षा के प्रयास में मारे गए ग्रामीणों की जानकारी या फिर गौ तस्करों द्वारा पुलिस पर हमले की जानकारी ऐसे ही इकट्ठा करके रखी जा सकती है। गौरक्षा पर काम करने का मन नहीं, कोई बात नहीं, नारीवादी हैं। चलिए, हिंदुत्व के समर्थन में बात कर रही महिलाओं की वॉल पर गाली गलौज करने वालों की ऐसी ही लिस्ट बना लीजिए। गूगल ड्राइव में स्क्रीनशॉट जमा कर लीजिए, गालीबाजों के प्रोफाइल की लिंक, उनके ट्वीट का लिंक, गूगल शीट में तारीख नाम वगैरह के साथ रख लीजिए। स्थानीय अखबारों से राष्ट्रीय मीडिया से हिंदुओं के शोभा यात्रा पर हमले की खबरें तो आती है ना, आप उन्हें भी जमा कर सकते हैं। आप कहेंगे कितने जमा होंगे, 7-8 जमा होंगे जी, तो भाई ऐसा है कि सालेम तमिलनाडु में 1882 में हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमला हुआ था। करीब 150 वर्ष हो चुके हैं, तो ऐसे हमलों की लिस्ट कितनी लंबी होगी, कितने काम की होगी, ये अंदाजा तो है ना। वैसे कहीं ऐसे अकेले इकोसिस्टम बनाने की बात से आप बोर तो नहीं होने लगे? कोई बात नहीं, किसी को कोसने के बदले खुद काम करना शुरू कर देने की बातें उतनी अच्छी नहीं लग रही हों तो जाने दीजिए। पूरा वीडियो देखने की कोई जबरदस्ती थोड़ी है। अगर आप अभी बने हुए हैं तो आखिरी मुद्दे पर चलते हैं। आखिरी मुद्दा यानी अर्थ। धन के बिना बहुत से काम नहीं हो सकते, ये आप समझते हैं। ये इकट्ठा कैसे हो, इसके लिए जो तरीका है वो आप बचपन से ही जानते हैं, उसे गुल्लक कहते हैं। बच्चों को आज स्कूल कॉलेज में बचत वगैरह सिखाते हैं या नहीं सिखाते ये तो पता नहीं, लेकिन इससे आपकी जिम्मेदारी तो खत्म नहीं होती। तो जैसे ही आप गुल्लक में पैसे बचाना शुरू करेंगे, वैसे ही आपके घर के बच्चे अपने आप आपको देखकर बचत का मतलब सीख जाएंगे। ये पहला फायदा है गुल्लक से। दूसरा फायदा स्थानीय कुम्हार को होता है। हर वर्ष सिर्फ दीपावली पर दिए से कितने दिन वो मिट्टी के बर्तन बनाने की संस्कृति को जीवित रखेगा। घर के लिए आप 2-3 गुल्लक लेने लगे तो वो फायदा भी है। अंतिम और असली फायदा है बचत। अगर रोज रोज आप अपनी जेब से सबसे बड़ा सिक्का निकालकर गुल्लक में डालने लगे तो वर्ष में कम से कम 1,000-1,200 रुपए तो बचा ही लेंगे। अगली बार अचानक किसी दंगा पीड़ित की मदद के लिए, हिंदुत्व की सहायता कर रहे किसी व्यक्ति के मुकदमे के लिए
किसी भी और हिंदुत्व का काम कर रहे व्यक्ति के लिए चंदा इकट्ठा करने की जरूरत पड़ जाए, जो कि हर महीने दो महीने में पड़ती ही है, तो आप बिना सोचे गुल्लक तोड़कर 100-200 रुपए का सहयोग तो कर ही देंगे। अगर ऐसे किसी काम में जरूरत नहीं पड़ी तो किसी स्थानीय मंदिर के लिए ये दान हो जाएगा, किसी गरीब बच्चे के लिए कोई किताबें खरीद कर दे सकते हैं, और कुछ भी न सूझे तो 10 भगवत गीता या रामचरितमानस खरीद कर मित्रों रिश्तेदारों में तो बांट सकते हैं। तो इकोसिस्टम अकेले तैयार हो सकता है। इकोसिस्टम बनाने पर आगे और भी बातें होंगी, मगर फिलहाल इतने पर ही विराम देते हैं। आप अपने सुझाव कमेंट्स में जरूर छोड़ दें। अगर बातें सही लगी हों और आपसे हो पाए तो और लोगों को भी वीडियो का लिंक भेज दें। आपके सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। अकेले इकोसिस्टम कैसे खड़ा किया जाता है और सोशल मीडिया का इसमें क्या योगदान हो सकता है, इस पर आगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।